चलिए पेपर नंबर फाइव में, सॉरी पेपर नंबर फोर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। हाँ लिखिए, राइट द फुल नेम ऑफ सोनार, SONAR, ठीक है ना, लिखिए। लिखिए राइट द फुल नेम ऑफ सोनार। बच्चों शिप वगैरह में सोनार का यूज होता है, लिखो आंसर, लिखो सोनार। सोनार लिखो बच्चों आंसर। इट स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्लियर? यस सर। हर्षिता? यस सर। ग्रुप में पेपर नंबर फोर डाला है, डाउनलोड कर लीजिए अभी। हाँ सर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जब कोई बस एक टर्न में मुड़ती है तो आप बाहर की तरफ धक्का खा जाते हैं, क्यों? क्या रीजन है? अगर आप कोई बस किसी टर्न पे, जोरदार टर्न पे मुड़ती है तो आप बाहर की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? कौन सी फिनोमेनन की वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एग्जैक्टली, सो दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला लिखिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है? आंसर 24 आवर, क्योंकि वो अर्थ के किसी एक लोकेशन के ऊपर घूमता रहता है। तो अर्थ जब घूम करके 24 घंटे में एक बार घूमती है तो वो भी बेचारा 24 घंटे में एक बार घूम लेता है। लिखिए। लिखिए 24 आवर्स। लिखिए टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इक्वल टू 24 आवर्स। अगला लिखिए, राइट रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में रिलेशन लिखो। तो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है देखो माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर। तो ध्यान से देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये बनाने के लिए इसमें मैंने एम का मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब ग्रेविटेशनल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द बॉडी। लिखो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख लिया? अरे लिखा कि नहीं लिखा यार, बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? यस सर, लिख लिया सर। ओके सो दिस इज
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लो बच्चों, लिख लो एक बार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी W इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, दोनों में कैपिटल M पहले है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अगर आप मास का मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए अगला क्वेश्चन, वाई इन विंटर, वाई इन समर, वाई इन समर मतलब क्वेश्चन ये है कि गर्मियों के समय में जो टावर के जो तार हुआ करते हैं वो लूज क्यों हो जाते हैं। तो आपको पता होगा बच्चों, जो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसमें चेंज इन लेंथ जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो तार लूज हो जाते हैं, और जब टेम्परेचर घटता है तो तार सिकुड़ जाते हैं। पढ़िए हर्षिता, इन विंटर, इन विंटर द वायर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस बिकम टाइट, दे एक्सपैंड ड्यूरिंग समर एंड बिकम स्लैक। हाँ, समर के टाइम में वो एक्सपेंड हो जाते हैं और स्लैक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कुड नॉट रीजन आउट द फॉर द टाइट पावर ट्रांसमिशन वायर इन विंटर एंड स्लैक इन समर, सो वी कैन अंडरस्टैंड बट दैट देयर इज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, वी आर वेल फैमिलियराइज्ड विद द कंसेप्ट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चलिए बताइए बच्चों, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी, सॉरी आइसोथर्मल में नहीं, उसमें, हाँ आइसोथर्मल में ही, ठीक 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 ठीक, वॉट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ करता है, बोलो। आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है, कौन बताएगा? सर बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में किसी गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है? नहीं पता? जीरो, एग्जैक्टली, क्योंकि आइसोथर्मल में जो एनर्जी, जो आइडियल गैस की एनर्जी होती है वो पर मोल की मैंने कितनी बताई थी अभी, ओके देखो मैंने बताई थी U इज इक्वल टू हाफ F/2 RT, मगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, आइडियल गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुआ करती, सॉरी 1 नहीं 3, तो 3/2 RT। तो जो गैस की एनर्जी होती है बच्चों, आइडियल गैस की, लिख लो आप लोग कहीं भूल ना जाओ, 3/2 RT। तो डेल्टा U इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 R∆T। तो जब टेम्परेचर में ही चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे होगा? तो अगर टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज क्या होगा? जीरो। अब आप कहोगे सर टेम्परेचर में चेंज जीरो क्यों हुआ? क्योंकि बेटा टेम्परेचर क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। तो लिख लो बच्चों, इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा? जीरो। डन? यस सर। हाँ लिख लो बच्चों, स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दैट परफेक्ट गैस इंटरनल एनर्जी यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब यू जो होता है डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में कितना होगा? जीरो। हर्षिता, हर्ष क्लियर की नॉट क्लियर? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए,
फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो. यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होगा? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है? पी वी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू आर इंटू टी. तो R इक्वल टू पी वी अपॉन टी. बच्चों निकाल लो फॉर्मूला, ये होता है. ठीक है, लिख लिया सर. आपकी आवाज कट जाती है बीच बीच में. आवाज कट रही है मेरी? क्यों जय, मेरी आवाज कट के आ रही कि सही आ रही है? बताओ भाई. थोड़ी थोड़ी सी कट रही है. कट रही आवाज, पूछ लिया करो बच्चों. कहीं पे दिक्कत होती है तो पूछ. हाँ, ये वाला आ गया समझ में? नाइन्थ वाला कि नहीं आया बताओ मुझे. ओके हाँ, लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट. एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गैस बिकम जीरो? किस टेम्परेचर पे किसी गैस का प्रेशर जीरो हो जाएगा? किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा. प्रेशर और वॉल्यूम कब जीरो होते हैं बच्चों? लिखो एट जीरो केल्विन. जीरो केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पर प्रेशर और जीरो, प्रेशर और टेम्परेचर जीरो हो जाता है. नोट करिए. हाँ जय, सुनो जय, रिप्लाई बैक. yes, हाँ ये बताइए कि स्पेस में जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, क्या वो पेंडुलम क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर. हाँ, तो कौन सी क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे वो? बोलो कौन सी क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे? देखो दो रास्ते हैं, या तो वो सेल वाली घड़ी, मतलब कि या तो वो डिजिटल क्लॉक का इस्तेमाल करें या वो स्प्रिंग क्लॉक का इस्तेमाल करें. क्योंकि स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग की एनर्जी ग्रेविटेशन पे डिपेंड नहीं करती. तो आंसर लिखो यस, बिकॉज द वर्किंग ऑफ रिस्ट स्प्रिंग वाउंड वॉच इज इंडिपेंडेंट ऑन द जी बट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. नोट करो बच्चों, तो एस्ट्रोनॉट किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? स्प्रिंग वॉच का, क्योंकि स्प्रिंग वॉच की एनर्जी ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती है. स्प्रिंग वॉच की एनर्जी कितनी होती है? U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होती है. हर समझ में आया कि नहीं आया? हर्ष, हर्ष हो गया भाई, पानी डाल के जगाओ हर्ष को. क्लास में ही नहीं है. क्लास में ही नहीं है, बहुत बढ़िया. चलो डन, आ गया समझ में इतना? यस सर. चलिए ठीक है, तो बच्चों यहीं तक करते हैं आज. कल से यहाँ के क्वेश्चंस करेंगे, इधर से कल से करेंगे. और अभी आप लोगों को करना क्या है, वो बच्चों वो थर्मल वाला चैप्टर पूरा कर लिया क्या कल आप लोगों ने?